नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस फॉर एसएससी में। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जीके के, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, निम्नलिखित को मिलाएं। इस साइड रेगिस्तान दिया हुआ है और यहाँ देश दिया हुआ है, ठीक है, इसका मिलान करना है। तो गोबी रेगिस्तान जो है ये कहाँ है, ये सही मिलान किया गया है, मंगोलिया और चीन। ठीक है, इसका आंसर मंगोलिया और चीन होगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, ये बोत्सवाना में, ठीक है, बोत्सवाना में है। नामीब और किजील कुम, देखिए ये मुझे नहीं पता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए नामीब जो है ये अपने नाम की तरह ही बिल्कुल मिलता जुलता, इसका आंसर है नामीबिया। ठीक है, नामीब का है नामीबिया। देखिए ये मेरे लिए न्यू है, इसे मैंने पढ़ा नहीं था आज से पहले, आज मैं पढ़ रही हूँ। तो किजील कुम देखिए इसका आंसर क्या होगा, जो लास्ट बचा हुआ है उज्बेकिस्तान। तो आंसर क्या होना चाहिए, पहला का होना चाहिए मंगोलिया, यानी शायद ए बी सी डी होगा, ए छूट गया, यानी ए एक का ए होगा, एक का ए इसी में डी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए देखते हैं, आंसर डी है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन में, कालाहारी जो बोत्सवाना में है, नामीब जो है नामीबिया में है, और किजील कुम जो है उज्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों को उनकी आबादी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आबादी के बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले जिसका कम आबादी है इन सभी में से, उसके बाद बढ़ते क्रम में लास्ट में जो है सबसे अधिक बढ़ा हुआ जिसका है आबादी, उसे लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, चाइना की है, चाइना यानी चाइना लास्ट में होगा, चाइना। उसके बाद हमारा इंडिया है, इंडिया की आबादी चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है, तो चाइना सबसे पहले होगा, छः इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, पाँच दोनों में है। उसके बाद देखिए, पहले तो चाइना की आबादी है, सबको पता है, भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की आबादी सबसे अधिक है चौथे नंबर में, तो 6, 5, 4 सही है। उसके बाद देखिए, ब्राज़ील नाइजीरिया और पाकिस्तान में, नाइजीरिया की आबादी सबसे कम है, तो एक होना चाहिए सबसे पहले, एक, तो इसी में आंसर हमारा होगा ए। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको नहीं भी आता है तो आप जो आता है उसके सारे आंसर निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने किया। तो कहने का मतलब क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे है, पहले पे कौन है, चाइना, उसके बाद होगा पांच या भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद होगा पाकिस्तान और फिर नाइजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नाइजीरिया की आबादी सबसे कम है, उसके बाद पाकिस्तान की, ब्राज़ील की, अमेरिका, इंडिया, उसके बाद चाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो 1935 के भारत संविधान जो थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया, संघीय योजना ली गई थी। उसके बाद राज्यपाल का कार्यालय जो है ये लिया गया है 1935 से। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, इसका आंसर होगा एक और दो, यानी ए होगा इसका आंसर। देखिए, संघीय योजना और राज्यपाल का कार्यालय प्रावधानों, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। राष्ट्रपति की पदच्युति यूएसए से ली गई है, यानी महाभियोग आप कह सकते हैं, महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन पर लगाया जाता है, वो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, आप इसी के साथ ही सारे देख लीजिए एक एक करके। नेक्स्ट देखते हैं, उन परमाणु ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित संस्थानों का उन शहरों से मेल कराइए जहां वे स्थित है, यानी ये जो संस्थान है कहां पे स्थित है वो हमें मेल कराना है। तो भाभा अनुसंधान केंद्र जो है ये तो ट्रांबे में है, सबको पता होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे में है। रमन रिसर्च सेंटर ये बेंगलुरु में है। ठीक है,
रमन रिसर्च सेंटर जो है बेंगलुरु में है। उसके बाद देखिए विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है, ये मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी संस्थान, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी संस्थान जो है मुंबई में है, और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये है कोलकाता में। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक का होगा ए बी सी डी, ठीक है, तो ए का डी होगा, सी होगा हमारा आंसर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र देखिए ट्रांबे में है, रमन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में है, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसके साहित्यों में हमें विजयनगर साम्राज्य का एक सिंहावलोकन मिलता है, बारबोसा, इब्न बतूता, फाहियान, ह्वेनसांग, अब्दुल रज्जाक, इनमें से किसमें मिलता है विजयनगर साम्राज्य का एक सिंहावलोकन ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए बी है सर, इसका आंसर बी है, एक दो और पांच, एक में क्या है बारबोसा, दो में क्या है इब्न बतूता, और पांचवा नंबर पे है अब्दुल रज्जाक। तो देखिए दोस्तों, अगर ये आ ही गया है तो आप लगे हाथ ये भी देख लीजिए कौन थे बारबोसा, कौन थे इब्न बतूता, कौन थे फाहियान, किसके दरबार में आए थे ह्वेन सांग, किसके दरबार में आए थे, और अब्दुल रज्जाक ये किसके दरबार में आए थे। अगर आप अभी देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ज्वालामुखी के एक बेल्ट से घिरा हुआ है जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मुझे लगता है 90% लोगों को पता भी होगा। इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर इसका आंसर होगा। देखिए प्रशांत महासागर के बेसिन में अग्निवृत या रिंग ऑफ फायर एक प्रमुख क्षेत्र है जहां कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। रिंग ऑफ फायर को कभी कभी सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। दुनिया के ज्वालामुखी विस्फोटों का 90% लगभग 90% और दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों का 81% रिंग ऑफ फायर में घटित होते हैं। तो देख लीजिए इसी से पता चल रहा है कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है किसे, प्रशांत बेल्ट को, ठीक है, प्रशांत महासागर के बेसिन में अग्निवृत या रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिन क्रम में लड़े गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं बता रही हूँ इसका आंसर, देखिए इसका आंसर ये होगा, पहला देखिए, पहला आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था, 1826 में, ठीक है, पहला आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1826 में। फिर उसके बाद पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1811 से 1813 में, 1811 से 1813 में हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782 में, और पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 में। तो सवाल में क्या पूछा गया, निम्नलिखित युद्धों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिन क्रम में लड़े गए, यानी जो सबसे पहले हुआ है आपको वो चुनना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर डेट आपको पता तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 में, तो आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद दूसरा होगा 1811 से 13 में, उसके बाद पहला 1826 में, और चौथा 1845 से 1846 में। देखिए ये याद रखिए, क्योंकि ये इस टाइप के जीके है जो आप ये सिर्फ फैक्ट याद रख लीजिए, कौन सा युद्ध कितने समय मतलब किस काल में हुआ था, कौन सा टाइम में हुआ था, ईयर में, तो कई सवाल सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सवाल पूछा जा चुका है कई बार, आंग्ल मराठा युद्ध या फिर वर्मा युद्ध में कौन सा गवर्नर जनरल था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको हेल्प कर सकता है, इसलिए इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं,
नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। देखिए दक्षिण भारत के पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाटों का हिस्सा है। देखिए दक्षिण भारत के पश्चिमी तमिलनाडु में, ठीक है, पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाटों का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत की कम से कम 24 चोटियां 2000 मीटर से ऊपर है, ठीक है, 24 चोटियां जो हैं 2000 मीटर से ऊपर है। और इसकी उच्चतम चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों की जो उच्चतम चोटी पूछी जा चुकी है कौन सी, दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये तो जरूर से याद होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसका क्रम क्या है, देखिए राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और देखिए क्या होगा, त्रिपुरा। और देखिए मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या होगा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए मणिपुर नहीं होगा और मेघालय नहीं होगा, मणिपुर और मेघालय बिल्कुल नहीं होगा, मिजोरम इसका आंसर होगा, ठीक है, मिजोरम। तो यहाँ पे क्या दिया, गुजरती है, तो ठीक है गुजरात है, यस गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरती है, एमपी से गुजरती है, उत्तराखंड से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक दो चार सात और छः भी। तो देखिए बस उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है और उत्तराखंड से नहीं गुजरती है, ठीक है, इसका आंसर सी होगा, यहाँ पे 6 छूट गया होगा, 6 भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिनमें वे भारत आए थे। तो हमें पता है सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, ठीक है, पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे, तो पहला का तो होगा एक होगा, इसलिए इसे काट दीजिए। उसके बाद देखिए पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, डच आए थे, तो आंसर होगा हमारा ए, पहला पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रेंच आए थे, ठीक है। और देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे आखिरी में भी गए थे पुर्तगाली। 11 देखिए एलिवेशन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, वह भारत में होम रूल लीग के संस्थापकों में से एक थी। तो ये सही कथन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष और पहली विदेशी अध्यक्ष थी, ये गलत है। तो क्यों गलत है, क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, दूसरी नहीं पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। उनके द्वारा न्यू इंडिया और कॉमन विला नामक दो पत्रिकाएं शुरू की गई थी, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक और तीन, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। निम्नलिखित को मिलाइए, स्थाई बंदोबस्त जो है, स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, कार्नवालिस ने, लॉर्ड कार्नवालिस हो गए आंसर। और देखिए सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय की उनका योगदान काफी था इसमें, सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक ने। हड़प नीति ये सुना होगा आपने, डलहौजी की हड़प नीति और वेलेजली की सहायक संधि। देखिए पहला तो हमने देख लिया अस्थाई बंदोबस्त क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो पहला का होगा डी, पहला का डी कहाँ है, डी इसी में है, तो यही होगा आंसर। दूसरा देखिए सहायक संधि किसकी है,
वेलेजली की सहायक संधि आपने सुना होगा, लॉर्ड वेलेजली। तो दूसरा का आंसर सी, ठीक है। तीसरा का बी होगा, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और हड़प नीति थी डलहौजी की, हड़प नीति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष थे, तो ये सही है। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के समय ऐसी मजुमदार जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? दो तीन और चार, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बंगाल के इंडिगो विद्रोह के से जुड़ा है? ठीक है, इंडिगो विद्रोह से जुड़ा है दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण जो है, नील की खेती, नील जिसे इंडिगो कहते हैं इंग्लिश में, इंडिगो की खेती से जुड़ा है, इंडिगो विद्रोह से जुड़ा है नील दर्पण, जो कि दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ, और इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। गोदान किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र ने। शास्त्रीय नृत्यों से उन राज्यों को मिलाइए जिनसे वे संबंधित है। तो देखिए, छऊ हमें पता है, देखिए छऊ जो है झारखंड हो गया, झारखंड नृत्य पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। झारखंड, बिहार और उड़ीसा, देखिए झारखंड बिहार उड़ीसा से संबंधित छऊ, तो यहाँ झारखंड बिहार नहीं है, तो उड़ीसा होगा हमारा आंसर, तो एक का होगा डी, ठीक है। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु राज्य से है, तमिलनाडु, तो आंसर तो हो ही गया। चलिए देखते हैं, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से और कथकली का केरल से। और कथक जो, देखिए कथक और कथकली अलग है, कथक का है उत्तर भारत से, अगर यूपी ऑप्शन में रहे तो आप यूपी मारिए, या उत्तर भारत रहे तो उत्तर भारत, ठीक है। कथक का संबंध है मणिपुर का, मणिपुरी का संबंध मणिपुर राज्य से है, मणिपुरी नृत्य का संबंध मणिपुर राज्य से है। यक्ष गान कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है। यक्ष गान कर्नाटक का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी के बारे में क्या है? देखिए, यह मानसरोवर झील से निकलती है, ये सही है, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। यह पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और तिब्बत से होकर गुजरती है, ये भी सही है। देखिए, सिंधु नदी जो है मानसरोवर के निकट तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और वहाँ से पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। यह वेदों में सप्त सिंधु डेल्टा के रूप में जाना जाने वाला एक डेल्टा बनाती है, ये भी सही कथन है, ठीक है। यह कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, यानी सी होगा इसका आंसर। प्रश्न है, सितंबर 2019 में जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, ये फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, 19 में पूछा जा रहा है, 2019 में होने वाला है जलवायु शिखर सम्मेलन। तो ये कहाँ होने वाला दोस्तों? ये होने वाला है न्यूयॉर्क में होगा सितंबर 2019 में जलवायु शिखर सम्मेलन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छा लग रहा है तो, और आपको नहीं चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। दोस्तों, गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।